अपनी गर्लफ्रेंड के लूंगा। ये लेना अग्गू भाई। हाँ? जल्दी से काम खत्म करते हैं और घर चलते हैं। हाँ? नहीं तो वो खतरनाक औरत आ गई ना, हमारा खून पी जाएगी। सही कहा, खतरनाक औरत। मग्गू भाई, सही लगी पड़ी है यार। अरे मग्गू भाई, ये जूते कैसे गिर गए? अरे मग्गू, ये क्या कर रहा है? ये कोई मजाक करने का टाइम है? लाइट क्यों बुझा दी? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, सच बोल रहा हूँ। तुमने नहीं किया? हाँ, लाइट अपने आप गई है। अरे तो लाइट कैसे गई? आवाज आवाज मेरे को बचाने वाला कुछ चाहिए। मक्का फाइनली आज हमारा सपना पूरा होने वाला है करण। आई एम सो हैप्पी। किसका फोन है? उसी का फोन है, बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है पैसों के लिए। एक बार इस शोरूम का उद्घाटन हो जाए ना, इसका ना फुल एंड फाइनल पेमेंट करती हूँ मैं। चलो फिलहाल चलते हैं। यार ये क्या हो रहा है यार? एक एक ए चको अचानक बिजली चली गई, सारी जूते अपने आप नीचे गिरने लगे। और तो और मैडम, एक जोड़ी जूते तो अपने आप चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी आत्मा ने पहन रखी हो। चुप रहोगे तुम दोनों? पागल वागल हो गए हो क्या? अरे तुम्हें बोला था ना इनको इनको एडवांस पेमेंट मत दो। अबे क्या कर रहे हैं दोनों? दारू पी के पड़े थे ये मुझे नॉनसेंस स्टोरी सुनाने यहाँ पे खड़े होके। नहीं मैडम, जग्गू सही कह रहा है। हाँ? मैंने भी देखा था जूते अपने आप चलते चले जा रहे हैं। हाँ? ए, चुप। तुम लोग जानते हो ना शाम में इनॉग्रेशन है, और फिर भी अपनी बकवास बंद करो और अपना काम खत्म करो। कमान बू। नहीं सर, अब हम यहाँ नहीं रुके। हाँ? जान है तो जान है। अभी क्या बेटा, ये सारा काम हो जाना चाहिए तो तुम दोनों को ना आत्मा बना के रख दूंगी मैं। समझे कि नहीं? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। कहाँ रह गई ये क्या रहा यार? अरे मैम आ गई। अरे चलो चलो। There she is. सो नाइस टू हैव यू। ऑल गुड, लेट्स गो। एक मिनट बेब। बताइए मैडम। बताइए मैम। हाय पीप्स। हाय। उद्घाटन करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अपने आप में एक अनोखा शोरूम है जहाँ पर सब कुछ कस्टमाइज्ड है। यानी कि आप आइए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जूते, कपड़े, चप्पल, बैग कुछ भी बनवा कर ले जाइए। ओके okay?
मिठी ना? थैंक यू। ओके, किड्स सेक्शन राइट? या। वाओ, आई जस्ट लव दिस बूथ। इट्स सो नाइस। ये मैं कब से सोच रही थी ऐसा ही कुछ खरीदूं। कितने का है? हाउ मच इज इट? वेल, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। टीना, ये शूज मैम के लिए गिफ्ट पैक कर रहा हूं। या, हाउ स्वीट ऑफ यू। रियली स्वीट ऑफ यू। आई हैव जस्ट कम, या। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, मैं चेक करता हूँ। बिजली वापस आ रही है, रिलैक्स। अरे प्लीज, आप लोग घबराइए मत, प्लीज। मैं चेक करता हूँ, बिजली वापस आ जाएगी। गाइस गाइस प्लीज रिलैक्स। करण, ये नहीं हो सकता। करण, ये नहीं हो सकता। करण, ये नहीं हो सकता। आत्मा, जो भी ये मजाक कर रहा है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। कौन है, कौन है यहां पे? देखकर तो लगता है कि इलेक्ट्रिक के शॉक से मरी ही है। किसकी गन है ये? सर ये रोहिणी की गन है सर। रोहिणी की? तुम कौन हो? सर मैं टीना, मैं इस शॉप में मैनेजर हूँ। अच्छा, जब ये सब हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी? सर मैं शॉप पे ही थी, वो लोगों को शांत करा रही थी, बस तभी गोली चलने की आवाज आई,
तो मैं यहाँ आ गई। कियारा, कियारा। जी सर। तुम बेहोश कैसे होगी? सर, लाइट ऑफ होने के बाद जब कांच टूटा तो सर मेरे सामने रखे हुए जूते अपने आप से चलने लगे थे सर। सर मैं बहुत डर गई थी और इसी वजह से मैं वहाँ से भाग गई। सर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो सर मैंने देखा कि कोई वो जूता पहने हुए था। जूते पहन रखे थे किसने? पता नहीं सर, सिर्फ टांगे दिख रही थी, वो भी कटी हुई। उसके बाद मैं अचानक से बेहोश हो गई। कियारा, ये तुम क्या कह रही हो? हैं? बकवास कर रही हो तुम, समझी? कटे हुए पैर चलते हैं कैसे हो सकता है? तो मैं बकवास नहीं कर रही हूँ सर। सर ऐसा भयानक दृश्य मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा कभी। सर ये शायद सच कह रही है सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर मेरी दुकान के दो वकर जग्गू और मग्गू, उन्होंने भी सुबह कुछ ऐसा ही देखा था सर। उन्होंने क्या देखा? कटे हुए पैर, जूते पहने हुए। Nonsense. इस शॉप का, इस जगह का कोना कोना छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ सर जी, ये देखिए सर, आत्मा को अपने से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे भरोसा था। ये शीशे का टूटना, ये चप्पल जूतों का गिरना, ये सब इस इंस्ट्रूमेंट और इस तार से तरंगे पैदा करके किया गया सर। ये देखिए, और ये सारी तरंगे कहीं से किसी रिमोट से पैदा की गई। सब रिमोट? हाँ रिमोट से। क्यों सब? मैंने यहाँ एक आदमी को हाथ में रिमोट लिए हुए देखा था सर। वो वहाँ पर ऊपर की तरफ खड़ा था। इससे पहले कि मैं करण से कुछ कहती सर, लाइट्स ऑफ हो गई थी। तो तुमने अच्छी तरह से देखा होगा उसे? नहीं सर, उसने मेरी तरफ पीट करके रखी थी। मैं नहीं पहचान सकती। अच्छा, उसके बारे में कुछ और खास बता सकती हैं? उसने अपनी उंगली में एक लाल रंग की स्टोन की अंगूठी पहनी थी। या जितने भी गेस्ट हैं ना, सबके हाथ चेक करो, देखो किसी ने लाल रंग की स्टोन की अंगूठी पहनी है क्या। आप आ गए। सर ऐसी ही अंगूठी थी। मैडम मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं आपका सीरियल रोज देखता हूँ। जितना भी बड़ा काम हो मैं छोड़ के आपका सीरियल देखता हूँ पहले, और आप मुझे फंसा रहे हैं यहाँ पे। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। अब हड्डियां भी टूटेगी समझे? साफ साफ बताओ क्यों किया ये? सर क्यों? सर शायद ये वो आदमी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सर वो बहुत लंबा था, ये नहीं हो सकता। करण
तुमने जितने भी लोगों को इनवाइट किया था यहाँ पर, क्या वो सभी मौजूद है यहाँ? हाँ सर, सब तो यही है। अच्छा सचिन, यहाँ दो फोटोग्राफर्स हैं, उनके कैमरास चेक करो, देखो शायद उस आदमी का फोटो खींचा गया हो। सर क्या भी दीजिए। ये सर, ये वाला प्रीवियस सर, सर ये वाला। इसे पहचानते हो? नो करण, ये अचानक तुम्हें पसीना क्यों छूटने लगा? इसे तो अच्छा चल रहा। सर सर वो मुझे मुझे अस्थमा है सर। सर सर कोना कोना छान मारा, वो हॉन्टेड बूट्स कहीं नहीं मिले। मिलेंगे, ये हॉन्टेड बूट्स जरूर मिलेंगे। सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है सर, वो रोहिणी की मौत का मुझ पर गहरा धक्का लगा है सर, तो मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। कैन आई गो सर प्लीज? घर जाना चाहते हैं। ठीक है जाओ, आराम करो। थैंक यू सर। ये करण जरूर हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा। निखिल सर, तुम और पंकज इस करण पर कड़ी नजर रखो, एक एक हरकत पर हैं? सर। हिलना नहीं वहां से। सचिन जग्गू मग्गू का पता लगाओ, और जयवंती या जितने भी गेस्ट से हैं सबके टेलीफोन नंबर्स ले लो। अरे यार सबसे बकवास काम होता है ये, क्या खड़े रहके बस नजर रखो किसी पे। अरे यार कितना टाइम हो गया है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा, गधे की तरह बस खड़े हैं यहाँ पे। सर आ जयवंती। सर हादसे के वक्त उस डिजाइनर शॉप में जितने भी मोबाइल फोन थे वो वहाँ आए हुए मेहमानों के नंबर से मैच करते हैं, सिवाय एक नंबर के। सिर्फ एक नंबर? सर कौन सा नंबर है, जरा निकालो डिटेल्स। किसी वरुण के नाम पे रजिस्टर्ड है। अरे एसपी सर को फोन करना पड़ेगा। हाँ पंकज। सर करण, सर करण अपने घर पे ही है सर, कहीं बाहर नहीं गया सर, और कब से किसी से फोन पे झगड़ा कर रहा है सर, मगर करण अभी झगड़ा भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्से में उसने अपना फोन तोड़ दिया सर। अपने कमरे के अंदर है ना वो? हाँ तुम लोग नजर रख रहे हो ना ठीक से? सर सर लगता है वो सोने चला गया। सर हम लोग भी सोने चले जाए सर, क्योंकि कब से खड़े हुए सर, बहुत थकान हो गई सर, खाया भी नहीं है कुछ सर, मतलब नींद आ रही है सर खड़े खड़े। तुम दोनों में से किसी ने भी एक भी अंगड़ाई ली ना तो दोनों को सस्पेंड कर दूंगा CID से, समझे? यस सर। अपनी नजरें गड़ाए रखना करण पर। है कौन ये जिसके साथ बात करने पर करण इतना परेशान हो गया कि उसने अपना फोन ही तोड़ दिया? जयवंती एक काम करो, देखो जरा शाम को करण किसके साथ बात कर रहा था, सारे डिटेल निकालो शाम के। जी सर। सर हाँ सचिन, जगुमगू का क्या पता चला? सर जगुमगू का पता नहीं चला सर, हर जगह छान मारा, पता नहीं कहाँ गायब हो गए सर। लेकिन सर जिस तरह ये छिपके बैठे हैं ना, ऐसा लगता है इस केस में इनका लेना देना जरूर है सर। सर ये वरुण ने करण को शाम से लगभग 50 बार कॉल किए। तो फिर ये वरुण ही है जिसके कॉल से करण इतना परेशान था कि उसने अपना फोन ही तोड़ दिया। जयवंती पता लगाओ इस वरुण का फोन इस वक्त कहां पर है। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो।
ये आवाज कैसी? मैं देखता हूँ। ए, संभाल के जाओ। हाईवे के आसपास काफी देर से रुका हुआ है, हमारी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं। सर, ये जहां पर रुका हुआ था वहां से भाग रहा है। अच्छा, सुचिन। सर, यहां से लेफ्ट, यहां से। ये रहा वरुण सर। सब लोग फैल जाओ, छोड़ो मत उसे। बनकर और खून करना चाहते हो? सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। हर खूनी पकड़े जाने पे यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा। आप पंकज, साहब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिए हैं, अब मैं निकलता हूँ। तुम जाओ, लेकिन दरवाजे ठीक से बंद कर लेना। जी साहब। मैं तुम्हें बहुत बहुत पैसे दूंगा। बचाओ, बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो इससे, प्लीज, प्लीज।
जूते कटे हुए पैर जूते क्या हुआ किसी ने सर मेरे सर पे हमला किया सर बहुत जोर से पंकज कहाँ है बोलो पंकज शायद शायद घर के अंदर है सर पंकज अंदर है मयूर निखिल को हॉस्पिटल ले जाओ हाँ चलो पूरे पंकज ओके पंकज ओके पंकज पंकज उठो पंकज क्या हुआ था सर हाँ मैंने उस पापा को देखा सर मैंने उस पापा पे गोली भी चलाई सर लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ नहीं खड़े हो तो करण कैसे सर भी और धुआं आ गया सर बहुत हो गया सर आत्मा को देखा फिर आत्मा पर गोली भी चलाई फिर धुआं आया दिमाग ठिकाने पर है क्या बोल रहे हो तुम हाँ ध्यान रखना इस पर करण 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 क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी तुम अभिक 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 करण पूर्वी पूर्वी जल्दी से डॉक्टर को फोन करो और इस घर का कोना कोना छान और अच्छी तरह से तलाशी लो घर की सर ये करण अभिक अभिक क्यों बोल रहा था है कौन ये अभिक कौन है ये अभिक अभिक का नाम सुनते ही तुम्हारी ऐसी हालत क्यों होगी क्यों हड़बड़ा रहे हो कौन है ये अभिक सर बता दो सर सर मैं रोहिणी और करण को सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिनों से करण मेरा फोन नहीं उठा रहा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने प्लान किया कि अब मैं इसके शोरूम की ओपनिंग खराब कर दूंगा तो वो इंस्ट्रूमेंट और वो तार उस शॉप में तुम्हीं ने फिट किए थे हा? जी हाँ सर सर जूते चप्पल गिराना और कांच तोड़ना ये सब मैंने किया था सर लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर और ब्लैकमेल करण और रोहिणी को ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे क्यों कर रहे थे ब्लैकमेल तब बोलता है या तू एक सर सर बताता हूं सर सर वो अभी के खून के लिए हाँ कुछ साल पहले की बात है हम चारों यानी कि मैं रोहिणी करण और अभी हम चारों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और सर करण और रोहिणी कॉलेज के सबसे बिगड़े हुए स्टूडेंट्स थे और अभी हमारे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट था सर जब प्लेसमेंट की बारी आई तो रोहिणी और करण के जॉब के लाले पड़ गए तो उन दोनों ने एक प्लान बनाया वो प्लान कुछ ऐसा था कि वो लोग अभी के कस्टमाइज एक्सेसरीज बिजनेस के प्रोजेक्ट को चुराना चाहते थे फाइल मिल गई फाइल राम सिंह अरे हॉस्टल को सुनाएगा क्या चल ये भी हो गया निकलते हैं करण रोहिणी तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो वो अभिक हम वो एक्चुअली हम लोग तुम लोग मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट चुरा के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो मैं अभी प्रिंसिपल को फोन करता हूँ अभिक अभिक अभी प्लीज अभी देख देख मेरी बात सुन प्लीज
देख मेरी बात सुन ले प्लीज 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 फोन मत कर प्लीज लूजर्स मेरी मेहनत चुरा के तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो जब जेल जाओगे ना तब पता चलेगा अभी 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 क्या कर रहा है यार अभी अभी रुक जा अभी इसको क्या हुआ ये तो मर गया हमने जानबूझ के नहीं मारा इसको गलती हो गई तुम दोनों ने इसे मार दिया कहां जा रहे वार्डन को बताने वार्डन को बताएगा चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे नहीं तो तुझे भी अभी के पास पहुंचा दूंगी समझा भाई देख यहां जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जा प्लीज किसी को नहीं बता इतना डरते क्या हुआ तू सुन एक खून की सजा भी फांसी होती है और दो खून की सजा भी फांसी होती है कहना क्या चाहती हो अब तुम दोनों मिलके मुझे भी मार दोगे क्या अगर तूने मुंह खोला तो देख अगर तू नहीं बताएगा ना तो इसके बदले हम तुझे इतने पैसे देंगे कि तुझे जिंदगी भर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो डिसाइड कर ले तुझे पैसे चाहिए कि अभी की कब्र के बगल में सीट ठीक है मंजूर है मुझे सचिन इसीलिए ये करण वरुण के बारे में हमें बता नहीं रहा था सर सर ये मशीन मिली है शायद उस आत्मा की इमेज इसी से बनाई गई होगी रवि तुम्हारा शक बिल्कुल सही है 3D इमेजिंग वर्चुअल रियलिटी का मशीन ही है और सर ये देख दुकान का लोगो गुल्लन आईटी शॉप याद नहीं अब कुछ भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ भूल गया अरे क्या बात है दुकान खोलते ही ग्राहक साथ है वैसे हम हैं भूलन बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं अरे कुछ मुंह तो खोलिए और क्या क्या चाहिए मुझसे बोलिए अरे वाह CID को देखते ही कविता पढ़ने लगे CID CID ये इक्विपमेंट देखो ये सामान तुम्हारे दुकान से ही किराए पर ले जाया गया था ना पता नहीं वैसे हमारे जो याददाश्त बड़ी कमजोर है तो फिर याद करने की कोशिश करो हाँ ये भी सही है याद करो लेकिन क्यों याद करके बताएं आखिर आप है कौन अरे बोला ना हम लोग सीआईडी से हाँ आपने बताया था ना बताया था अरे अरे ये इक्विपमेंट आपके पास आया कैसे अरे मैंने तो इसको जग्गू मग्गू को किराए पे दिया था हाँ जग्गू मग्गू हाँ जग्गू मग्गू मेरे जग्गू मग्गू का आता पता तो होगा तुम्हारे पास कोई फोन नंबर वगैरह हाँ दिया था जब मैंने उनसे एड्रेस प्रूफ मांगा तो उन्होंने अपने मालिक का एड्रेस दिया था और क्या दो एड्रेस एड्रेस तो एड्रेस कहाँ एड्रेस अरे कहाँ रखा था कौन सा एड्रेस कैसा एड्रेस सर यहाँ पे तो सीसीटीवी लगा हुआ है जो भी आया गया होगा उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा पता नहीं इस भुलक्कड़ को देखकर तो ऐसे लगता कि इसे याद भी नहीं होगा यहाँ ये सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ भी है फोन करने की तो बात ही छोड़ो अगर कर क्या रहा ये लन
उठ जा। ये कौन है? अरे कौन है आप लोग? अरे अरे कह दिया ना कि हम चंदा वंदा नहीं देते हैं। आ निकले यहाँ से। हो गया चल। लगता है ये घर काफी दिनों से बंद पड़ा है। सर उस रजिस्टर में तो यहीं का एड्रेस था। दया दरवाजा तोड़ दो। ढूंढो, देखो आवाजें कहां से आ रही है। सब आ गया। अभी सर लगता कोमा में, इसको तो पानी में फेंक दिया था, ये यहां कैसे है? अरे पंकज, वो आत्मा के जूते थे, आत्मा के। ये क्या है? रिमोट लगता ही है। लगता है दया, इस रिमोट के ऑर्डर पर ये जूते चलते होंगे। देखते हैं। ये लो। ये आवाज कैसी? लगता उस तरफ से। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आ रही है सर। दीवार तो खोखली है, आवाज पीछे की तरफ से आ रही है सर। देखो सर जरा। जग्गू और मग्गू, पहले इन दोनों से रोहिणी का खून करवाया और फिर यह बांध के छुपा दिया। हमने खून नहीं किया। बताओ कौन है सबके पीछे? रोहिणी का खून तो। अबे क्या करण को उठा लेंगे? कैसे? ओह नो, ठीक है
समयों का फोन था, किसी ने उस पर हमला किया और करुण को अगवा कर लिया। करुण को अगवा कर लिया? ए, कौन इस सब के पीछे? हमने नहीं किया था, नहीं किया हमने। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तू आ चल, चल दे। क्यों क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुम कौन हो? सर मैं टीना, मैं इस शॉप में मैनेजर हूं। टीना जी, बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, मगर क्या करें, ऐन मौके पर हम लोग घुस गए, बुरी आदत। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया, कोई पछतावा नहीं मुझे अपने किए पे, क्योंकि इन दोनों ने मेरे भाई के साथ जो किया ना, उनके लिए ये सजा भी कम है। मतलब भाई के मौत का बदला लेने के लिए तुमने करण की दुकान में मैनेजर की नौकरी ली, ये सोचकर कि वक्त मिलते ही करण और रोहिणी को खत्म कर दोगी? हा? ऐसा ही करना चाहती थी मैं। उस दिन रोहिणी को मैंने ही मारा। करण को मारने के लिए तुम करण के घर पहुंच गई थी, लेकिन हमारे बहादुर ऑफिसर पंकज वहां पहुंच गए और इसलिए तुम अपने काम में कामयाब नहीं हो पाई। करण, तुमने टीना के भाई अभी की जिंदगी बर्बाद की, और टीना तुमने रोहिणी को मारा और फिर करण को मारने की भी कोशिश की। तुम्हें कान कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.